जय श्री राम। और अब मैं आपको सुनाता हूँ कव्वाली, जो हमारे तुंगनाथ घाटी में या हमारे क्षेत्र में रामलीला आदि कार्यक्रमों में बजाई जाती थी। उस तरह से मैं उस कव्वाली को सुनाने का प्रयास करता हूँ। ध्यान से सुनिए। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा। जवानी हो गई रुखसत, जवानी हो गई रुखसत, कब्र तें यार बैठा हूँ, कब्र तें यार बैठा हूँ। और अब दूसरे तरीके की जो कहीं और बजाई जाती होगी और मेरे गांव में प्रस्तुत हुई है, बहुत अच्छा लगा है। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा। बुढ़ापा आ गया सरकार, हिम्मत हार बैठा। जवानी हो गई रुखसत, जवानी हो गई रुखसत, खबर तें यार बैठा। जो है सारे उत्तराखंड में ये हमारी जो रामलीला है, यह कई तरीके से कई रागों पर आधारित स्वरों से बजाई जाती है। कहीं बहरत अलग हिसाब से बजाई जाती है, चौपाई अलग हिसाब से बजाई जाती है, राधे श्याम अलग हिसाब से बजाई जाती है, कव्वाली अलग हिसाब से बजाई जाती है, दोहे अलग हिसाब से बजाए जाते हैं। तो बढ़िया है, अच्छा है कि हम नई नई चीज़ों को, नई नई चीज़ें कार्यक्रमों में शामिल होनी जरूरी है। समय के साथ बदलाव, कुछ नयापन जरूरी है। और मैं इस चीज़ का प्रशंसक हूँ, और मैं भी काफ़ी समय से लगा हुआ था कि कहीं से रामलीला की इस तरह के कार्यक्रम की रागणियाँ, बहरत, राधे श्याम आदि की नई धुनें हमें सुनने को मिलें और जिसे हम अपने कार्यक्रम में शामिल करें तो बहुत अच्छा लगेगा। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपके क्षेत्र में रामलीला में चौपाई, दोही, रागनी, बहरत, राधे श्याम, कव्वाली, बिहाग, छंद आदि कैसे बजाए जाते हैं, जरूर हमसे शेयर करें।